हेलो एवरीवन, आई एम जे बट एंड यू आर वॉचिंग एस जी ट्रेडर। दोस्तों, आज एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा ऊपर से एक सेल ऑफ आया था और जो आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ऊपर का 380 का लेवल ब्रेक होगा, पर वो सेकंड हाफ में एक फ्लिक होके वापस आ गया था। तो ऊपर की साइड हमें कुछ मिला नहीं उसमें ट्रेड, और ड्यू टू द ग्लोबल क्यूज सुबह से ही हमें एक मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला, जो हमने आज क्लोज़ किया है 17,500। जो आपको ये देख रहा है यहाँ पे प्रीमियम -55, वो क्यों देख रहा है? क्योंकि लास्ट जब क्लोजिंग हो रहा था मार्केट, तब ट्रेड कुछ चल रहा था 510 से 20 के आसपास, और वहाँ से जो एडजस्टमेंट आया वो करीबन 560 आया, उसकी वजह से हमें प्रीमियम -55 दिखा रहा है, पर एक्चुअल में ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये कल एडजस्ट हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है यहाँ पर 11.7%, और हमें दिखाएगा काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट भी बना हुआ है दोस्तों। और एक्टिव अगर कॉल और पुट की बात करें तो एक्टिव कॉल में हमें 17,700 एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। अभी हम लॉन्ग में तभी बैठेंगे जब 700 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब तक हम उसमें लॉन्ग में नहीं बैठेंगे, और पुट के लिए हम वेट करेंगे, यानी शॉर्ट के लिए भी वेट और लॉन्ग के लिए, क्योंकि अभी ये जो आ गया वो नो ट्रेड जोन जैसा आ गया, तो बेटर होगा कि हमें यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आज कॉल और पुट दोनों में एक्टिव 17,700 का ही दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक का, तो उसमें भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। 39,930 फ्यूचर है और क्लोज यहाँ पे स्पॉट है 39,010, तो उसके यहाँ वजह से यहाँ पे प्रीमियम भी कम दिखाई दे रहा है हमें, जो सिमिलर निफ्टी में हुआ था आज बैंक निफ्टी में भी हुआ है। 40,000 कॉल में एक रेजिस्टेंस है एंड 39,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे हम आज क्लोज हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है, PCR 0.88 एंड शॉर्ट बिल्डअप है। तो कल का हमें यहाँ पे देखना है कि प्रीमियम में क्या यहाँ पे चेंजेस आता है। यहाँ पे ऑप्शन चेन की अगर बात करते हो तो ऑप्शन चेन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये 10 फरवरी का है, तो अभी जहाँ पे क्लोज हुआ है 17,500। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल देखोगे कोई भी बार चार्ट, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कॉल राइटिंग जस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू पुट में। तो पुट में जो सपोर्ट है अभी वो एट द मनी है 17,500। वापस अगर हमने ये ब्रेक कर दिया जो हमारा प्रीवियस था 280-240 के आसपास, वापस हम 17,000 जा सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो कल आपको मॉनिटर करना है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अभी भी पुट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल, पुट यहाँ पे 19 लाख है एंड कॉल 7 लाख है। अगर यहाँ पे पुट कम होता है, कॉल बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे हाई चांस है नीचे की ओर जा सकते हैं, पर 17,460-480 एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे वो रिएक्ट करता है और वहाँ से बाउंस आता है। लॉन्ग के लिए हमें अभी वेट करना है, बाद में हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पे कैसे मिलेगा। बैंक निफ्टी इसका मेथड से 10th कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी अभी हमारे लिए 39,000 पे सिमिलर है, यानी कॉल पुट दोनों यहाँ पे राइट हुआ है, ऑलमोस्ट सेम फिगर है। तो अभी के लिए हमारा 39,000 एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर दोस्तों आपको पता है तो लास्ट जब हमने ब्रेकआउट दिया था 38,850 के आसपास, तो वो एक अच्छा सा भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसी के आसपास खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। ऊपर में अभी हम 39,500 के बाद ही कॉल का कोई पोजीशन बनाएंगे, पुट के लिए अभी हम वेट करेंगे जब तक हम 38,850 के ऊपर है। डेली चार्ट में अगर आप देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी, तो निफ्टी फ्यूचर में आपको देखने को मिल रहा है कि 61% से रिजेक्शन आया है, जो आज हाई लगाया 784 का, और वहाँ से कंटिन्यू फॉल आया, करीबन लो लगाया उसने 500 का, और ये ट्रेंड लाइन का अभी भी वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो अभी देखना है कल अगर वापस ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, क्लोज करने में कामयाब रहता है 610 के ऊपर, तो वापस एक अटेम्प्ट होगा इसको ब्रेकआउट देने का। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे एक कल जो फ्रिकआउट रेट था उसके बाद में आज हमने जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर जाने की कोशिश की, पर हुआ नहीं, और वहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना के हमने क्लोज दिया है 61% के अभी भी ऊपर है, तो अभी भी इसको शॉर्ट नहीं करना है। जो अभी मैंने लेवल बताया 850 से लेकर 880 यहाँ पर, अभी के हिसाब से डाउ जोन्स यहाँ पर 70 पॉइंट डाउन है, नस्दाक 339 पॉइंट एंड हमारा SGX निफ्टी दिखा रहा है 5 पॉइंट। डॉलर इंडेक्स नॉर्मल है, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अभी फिर से बढ़ना चालू हुआ है, 1.80 पहुँच गया।
USD INR यहाँ पे 74.83, हम 75 का वेट करेंगे दोस्तों। एंड क्रूड अभी भी नॉर्मल है, 89 के आसपास ही यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो इंडियन होटल है दोस्तों। तो इंडियन होटल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा था, तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हो तो नॉर्मल प्राइस एक्शन जो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस लेवल से यहाँ से ये मूव करना चालू हुआ, यानी कि इस जगह से इसने प्रीवियस जो इसका लो था वो ब्रेक नहीं किया, हाई बनाया। जब वापस आया था तब इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये जो प्रीवियस था उसका यहाँ से जो ब्रेकडाउन सपोर्ट लिया, अभी वापस ऊपर गया है। एक आ सकता है कहाँ तक आएगा, तो 214 से लेके यहाँ पे 10 यानी 2110 के बीच आपको एक सपोर्ट मिलेगा, और फिर लास्ट उसका जो लेग आएगा वो करीबन 237। तो ये पूरा प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लोअर लो हायर हाई का। दूसरी चीज़ आपको नोटिस यहाँ पे क्या करने को मिलेगा, आपको एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे दिखेगा। जैसे आपने यहाँ पे ये बना दिया, ये बॉडी से इसका ये नीचे, तो आपको यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी बनेगा, ये पोल हो गया, ये फ्लैग। और लास्ट में दूसरा क्या है कि डोजी के अंदर यहाँ पे बना हुआ है वो एक इनसाइड बार कैंडल के जैसा ही है, क्योंकि थोड़ा लो से एग्जैक्टली तो इनसाइड बार नहीं है, पर यहाँ पे आप मान सकते हो कि इसकी बॉडी के अंदर इसका बॉडी बना हुआ है। ट्रेड आपको कब अच्छा मिलेगा यहाँ पे, कल अगर रिस्क लेना है तो जैसे 220.50 निकलता है तो आप बाई कर सकते हो। 3 से 5 पॉइंट आपका टारगेट होना चाहिए। पहला ये आपका रेजिस्टेंस आएगा 223 से 224, उसके बाद में गया तो ऊपर 227, तो उस हिसाब से आप उसको लॉन्ग करके जा सकते हो। हमारा सेकंड स्टॉक है MGL। MGL को भी आप प्राइस एक्शन से ही देखो, कंटिन्यू लोअर एंड यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ, पहली बार यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है बहुत। अब यहाँ पे फिर से ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, और फिर जब ये ब्रेक नहीं करेगा 800, तब हम वापस यहाँ से बुलिश होंगे, तब हमारा टारगेट 973 होगा। आज ये जो कैंडल बना है उसको भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। जैसे ये 855 को क्रॉस करता है आप बाय में बाय करके जाना, 7 to 9 पॉइंट आपका टारगेट रहना चाहिए यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी हमारा जो ये लेवल था, हमने क्या पहले कल डिस्कस किया था कि खुलने ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया तो ऊपर की साइड, तो जो हुआ नहीं तो ये इग्नोर हो गया। सेकंड क्या था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ये लेवल ब्रेक होता है, तब हमारा टारगेट कहाँ पे था, ये यहाँ तक था। तो जब यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया तो पहला सपोर्ट कहाँ पर लिया, ये लेवल, फिर इसने बाउंस किया ये लेवल के बाद रिजेक्शन। दोस्तों अगर प्राइस एक्शन आप समझते हो तो आप देखो यहाँ से जब फॉल आता है यहाँ पे पहला एक बाउंस आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ये वाला प्रीवियस सपोर्ट था। इसने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया कहाँ पे, ये वाला रेजिस्टेंस, ऊपर गया कहाँ पे रुका, यहाँ पे जहाँ पे प्रीवियसली उसने सपोर्ट लिया। थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया कहाँ पे रुका, यहाँ पे ऊपर गया वापस कहाँ पे, ये लेवल पे, और फिर ये आया यहाँ पे। तो अभी अगर यहाँ से रुक के वापस जाता है तो इसका सपोर्ट कहाँ पे आए, उस ये जा सकता है यहाँ तक, अगर उसको प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है तो ऐसे करेगा। तो आपको आप हमारे लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, अभी ये वाला यहाँ पे, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलते हम उसको लॉन्ग यानी कॉल में बैठने के लिए अभी देर है। जब तक 700 के ऊपर नहीं जाते हम नहीं करेंगे, अगर 700 के ऊपर गए तो फिर हम बिंदास यहाँ पे फ्यूचर या तो कॉल लेके बैठ सकते हैं वीकली का भी। नीचे में हमें सपोर्ट अगर गैप डाउन मिलता है 420, तो एक प्रीवियस सपोर्ट है दोस्तों, जहाँ से ये एक फॉल आया था बजट के दिन सेकंड कैंडल में यहाँ से सपोर्ट लिया था। कोई भी अगर गैप डाउन खुलता है 420 के आसपास शॉर्ट मत करना, वेट करना। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है कि मानो यहाँ पे खुला फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हमें एक अच्छा सा यहाँ पे मूव मिल सकता है, तो आप वेट करना, अच्छा कल ट्रेड आपको मिल सकता है दोस्तों।
निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक ने हमारा ये डिस्कशन था कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसको कैसे शॉर्ट करना है, हमें शॉर्ट यहाँ पे नहीं करना था। हमारा मैंने जो आज सुबह दिया था 380 का, पर 380 वो यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर रहा था, तो हमारा फिर वो वैलिड रहा ही नहीं। इसने क्या किया, फिर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था रिजेक्शन लिया और अभी प्राइस एक्शन बनाना चालू किया है। इसके हिसाब से प्राइस एक्शन ये अभी जब तक 39,100 के ऊपर ये सेटल नहीं होता है हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, हमें वेट करना है। अच्छा लॉन्ग आपका यहाँ पे बनेगा 220 के ऊपर, वापस हम ऊपर जाएंगे तब ये जो लाइन आएगा ये उसको फ्यूचर में यहाँ पे कनेक्ट करेगा। नीचे की साइड ट्रेड क्या बन सकता है आपका, गैप डाउन खुला फर्स्ट 800 के आसपास कुछ नहीं करना है, जैसे ही वापस ऊपर जाता है 39 से रिजेक्ट करता है और फिर ये ब्रेक करता है तब हमें शॉर्ट करना है। अगर जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे नीचे खुला वापस ऊपर गया कहाँ तक, यहाँ 39,000 के आसपास, फिर जब ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देगा तब हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन में ट्रेड करना है, तो आपका यहाँ पे फिर 600 तक का टारगेट रहना चाहिए। तो लॉन्ग में वेट करना 220, शॉर्ट में प्राइस एक्शन के साथ हमें शॉर्ट करना है। अगर गैप डाउन खुला तो, गैप अप खुला तो वेट करने का, यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाय करने का, नहीं तो कल के दिन वेट करना। हो सकता है कि हम ये रेंज के अंदर दिन बिता दें, ये 400 पॉइंट्स के बीच में ही। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।